हमारे पास आज एक सैमसंग का मोबाइल है, इसमें FRP लॉक लगा हुआ है। तो ये मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल भी नहीं होता है और डायरेक्टली ब्राउज़र में घुसने का ऑप्शन भी वैसा आसान से नहीं है जैसा कि टॉकबैक से होता था या कीबोर्ड कुछ सेटिंग से होता था या हॉस SMS से हम जाते थे, तो वो कुछ भी नहीं है। इसमें हम नया तरीकों से करेंगे। मैंने ये कंप्यूटर में एक टूल डालना पड़ेगा, इस टूल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और सबसे पहले तो हम एक टूल ओपन करेंगे, उसके बाद पहले मोबाइल में कनेक्ट करेंगे। हमारा कनेक्ट हो गया, तो बाईपास कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, ये पोर्ट ओपन दिखा रहा है। मैं इसको रिकनेक्ट करके फिर टूल को री ओपन करता हूँ। पहले से ओपन कर रखा था मैंने, इसलिए शायद। तो अब करने की कोशिश करता हूँ, रीडिंग ले रहा है, तो ये हो रहा है। मोबाइल में ब्राउजर लॉन्च हो रहा है, मैंने इसको ओपन कर दिया तो डायरेक्ट ब्राउजर में जाएगा मोबाइल। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी टाइप करता हूँ जो ब्लॉग है हमारा gtnfrp.blogspot.com, gtnfrp.blogspot.com। ठीक है, ओपन हो गया। नीचे यहाँ पे जाना है, उसके बाद मैं डायरेक्ट गैलेक्सी स्टोर को ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं नहीं खुल रहा है। इसके लिए हमें मैप ओपन करना है, उसके बाद ड्राइविंग स्टार्ट करना है। और मेरा थोड़ा सा आज वाईफाई का प्रॉब्लम हो गया, इसलिए अच्छे से काम नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया, कोशिश करता हूँ। तो ये मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था, एक बार ऑफलाइन करके ऑनलाइन कर लेता हूँ, शायद काम कर जाए वाईफाई। तो अब शायद काम कर सकता है। तो फिर मैं आपको ओपन करके ड्राइविंग स्टार्ट करता हूँ। ओके, आ गया सेट डेस्टिनेशन, ऊपर क्लिक करके ओपन गूगल। गैलेक्सी स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पे हमें टाइप करना है गूगल प्ले सर्विस हिडन। ठीक है, और इसको डाउनलोड करना है हमें। तो आपका सैमसंग अकाउंट चाहिए इसके लिए। मैंने अपना सैमसंग अकाउंट डाल दिया और पासवर्ड भी डाल दिया, पर कुछ सिक्योरिटी रीजन से मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ। आप अपना सैमसंग अकाउंट डाल के उसमें डाउनलोड कर सकते हो। तो हमारा सैमसंग अकाउंट लॉगिन हो रहा है, इसको बाद में करना है। इस सैमसंग पास में जा रहा है तो इसको लेटर करेंगे और
इसको हमें बैक करना चाहिए था, मैंने बैक कर दिया। ए अभी डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने के बाद इसको ओपन करना है। मैंने कर दिया इसको ओपन, और जो है इसमें हमको लास्ट जो सेकंड लास्ट है इसमें जाना है। हर मोबाइल में सेकंड लास्ट में ही रहता है, तो एक कुछ भी ऐड करना है, पैटर्न पिन या कुछ भी। ठीक है, मैं अभी इसको उस पैटर्न करता हूँ, एक पैटर्न डाल दिया कुछ भी। तो जो हमारा पैटर्न है वो इसमें सेट हो चुका है। इसमें कुछ ऐड आते हैं, इसको 5 या 10 सेकंड तक वेट करना होता है। वेट खत्म होने के बाद शायद इसमें लग लग गया होगा। ठीक है, ओके, हमारा काम हो चुका है। इसको बैक करके हम जाएंगे पीछे, तो फिर एड आ रहा है। ओके, तो सबसे आगे जाके अब नॉर्मल जैसा आप सेटअप करते हो ऐसे ही सेटअप करना है अपना मोबाइल को। ठीक है, है हमारा FR पे बाईपास हो चुका है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।